एवरीवन। सो अभी हमने देखा सुबह सुबह क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़ा डंप आया, बट उसके बाद अभी रिकवरी स्टार्ट हो गई है। एंड अब आपको क्या बाय करना चाहिए इस डंप में एंड क्या रीज़न रहा होगा इस डंप का, ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक बटन दबा देना अगर आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो सबसे बड़ा रीज़न डंप का अभी कोई सामने नहीं आया है, बट आई थिंक ये काफ़ी टाइम से रैली कर रहा था। आई थिंक 3-4 दिनों से हम देख रहे थे इथेरियम काफ़ी अप जा रहा था। इथेरियम ने 4000 का मार्क क्रॉस किया था एंड उसने काफ़ी सारे कॉइन्स को रैली कराया था। प्लस बिटकॉइन डोमिनेंस भी काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे पॉइंट पे आ गई थी जहाँ से ये हिल सकती थी। तो वो सब रीज़न रहे होंगे क्रैश के, तो एग्जैक्ट हमें क्रैश के रीज़न से कोई खास मतलब नहीं है, तो बस बाय करने से मतलब है। तो देखते हैं कि क्या बाय करना चाहिए। तो इथेरियम क्लासिक इसने रिकवरी स्टार्ट कर दी है, 8700 रुपीज़ के आसपास इज़ अ गुड डील राइट नाउ। विंक है जो कि 0.1 से नीचे है तो अच्छी डील होता माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रॉन की, जो ट्रॉन अपने 11 रुपीज़ के एवरेज से नीचे है। XLM तो अभी खैर ऊपर है, 50 रुपीज़ से नीचे आप स्टेलर को ले सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं तो मैटिक 70 रुपीज़ से नीचे चल रहा है, हमें देखना पड़ेगा। मैटिक की रिकवरी अभी स्टार्ट नहीं हुई है तो उसको मत लेना। इसके बाद हम बात करते हैं BNB की, जो BNB नीचे नहीं गया है एंड BNB को इस डंप से फ़र्क नहीं पड़ा है तो हम BNB को छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लाइट कॉइन को, तो लाइट कॉइन ने भी एक अच्छा खासा डाउन टर्न लिया है, 30,000 रुपीज़ से नीचे आ गया है तो यहाँ पे उसको खरीद सकते हो आप। इसके बाद हम देखते हैं 1 इंच को, तो 1 इंच काफ़ी टाइम से नीचे आ रहा है एंड आई थिंक 550 के अपने हाई के बाद इसने एक करेक्शन लेना स्टार्ट किया है। तो 1 इंच को जो भी होल्ड कर रहा है तो थोड़ा ज़्यादा लॉन्गर आपको होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे भी हम एक रिकवरी देखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप 500 पे एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि हम इसका लॉन्ग टर्म अराउंड कम से कम 6-7 मंथ्स लेके चले हैं। इसके बाद क्रोमिया है, क्रोमिया में हमने कल भी देखी थी एक अच्छी खासी रैली एंड यहाँ पे भी ये 24 रुपीज़ तक आ गया था। इसके बाद इसने भी रिकवरी स्टार्ट कर लिया है तो आप इसको भी खरीद सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं BCH ने इतना ज़्यादा डंप नहीं लिया है तो BCH को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं सिया कॉइन पे, तो सिया कॉइन आ गया है 2.8 रुपीज़ पे एंड ये बहुत अच्छा इसका बाइंग जोन है, आप चाहें तो इसको यहाँ पे खरीद सकते हैं। उसके बाद है स्वाइप कॉइन, तो स्वाइप कॉइन के साथ थोड़ा सा दिक्कत ये है कि स्वाइप कॉइन की रिकवरी स्टार्ट तो होती है 400 तक आराम से पहुंच जाता है, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा टाइम लेता है तो ये 300 से नीचे भी जा सकता है, बट ये इवेंचुअली 400 पे आ जाता है तो आप उस हिसाब से इसको ले लेना। पर और थोड़ा सा नीचे आता है तो वो आप थोड़ा माइंड में रखना। उसके बाद हम देखेंगे यूनिसॉप भी 3000 रुपीज़ से नीचे आ गया है, इसमें भी एक अच्छा खासा डंप आया है तो आप इसको खरीद सकते हो। ये सारे टोकन रिकवर कर जाएंगे क्योंकि ये जो टोकन्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग टोकन्स हैं एंड इनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है एक्सेप्ट विंक। ओके सो इनमें से आप ले सकते हो आप जो चाहो एंड ये सब टोकन्स रिकवर कर जाते हैं मोस्टली। हमेशा हमने देखा है कि ये सब टोकन्स अच्छी खासी रिकवरी दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली गुड टोकन्स हैं, इनका टेक अच्छा है, टीम अच्छी है। तो और ऊपर से हाँ रिपल मैं एक्चुअली एक भूल गया था, तो रिपल भी है एक जो अपने बाइंग जोन पे आ गया है 115 के आसपास। तो देखो अभी बाय कर लो, उसके बाद जब कोई भी टोकन पंप करता है तब आप लोग पूछते हो कि बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उस टाइम तो नहीं करना चाहिए ना। तो अभी जब मार्केट डाउन होता है, जब सब स्केयर्ड होते हैं, तब आपको बाय करना चाहिए। ओके सो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड मेरे चॉइसेस एंड प्राइस अगर आपको अच्छे लगते हैं, आप अपना रिसर्च भी कर सकते हैं तो आप उनको बाय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक कर देना, सुबह सुबह हमने वीडियो डाली है एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।